तो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. दोनों में डिफरेंस वेल नोन टू यू, द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, बिकॉज यू आर स्टडिंग फ्रॉम सिंस 6th, 7th, 8th दैट वॉट आर द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड वॉट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. तो मुझे शायद इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट रीड आउट द डेफिनेशन. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दीज आर दोज पॉलीमर विच गेट डीकम्पोज अंडर एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल यू हैव टू फोकस ऑन, दैट इज PHBV एंड नायलॉन 2 नायलॉन 6. ये एक ही पॉलीमर का नाम है, नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसको हम नायलॉन 2-6 भी बोल सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो वन पॉलीमर, PHBV, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी नेम ऑफ पॉलीमर. नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इट इज टफ फॉर माइक्रोब्स टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड डाइजेस्ट डैम. Thus, a long period is required to decompose them. और example से समझ में आ जाएगा, पॉलीथीन एंड टेफ्लॉन, है ना, इनको बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में. ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज PHBV. लिसन, इन दिस चैप्टर ओनली द पॉलीमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी पॉलीमर्स मैन्युफैक्चरर्स मैंने तुम्हें भी पढ़ाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ पॉलीमर्स, ऑल आर इम्पॉर्टेंट. इवन इन एग्जाम एनीवन कैन आस्क व्हाट आर द मोनोमर ऑफ दिस, हाउ वी कैन प्रिपेयर इट, इज इट होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं. तो ये सब इम्पॉर्टेंट है. सो वी आर कमिंग टू वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलीमर चैप्टर, दैट इज PHBV. क्या है PHBV? ये जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है. अब इसको पहले हम देखते हैं आखिर इसका नाम क्या लिखा हुआ है. एक्चुअल नेम लिखा है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट. और क्या लिखा है इसमें, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट. अब देखो ये जो PHBV स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर पॉली, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी, बी स्टैंड फॉर ब्यूटायरेट एंड वी स्टैंड फॉर वैलरेट. पी स्टैंड फॉर पॉली, पी स्टैंड फॉर पॉली, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोक्सी, बी स्टैंड फॉर ब्यूटायरेट, बी स्टैंड फॉर ब्यूटायरेट एंड वी स्टैंड फॉर वैलरेट, वी स्टैंड फॉर वैलरेट. ये तो हमें नाम मिल गया पॉलीमर का. दिस इज पॉलीमर, दिस इज पॉलीमर. बट वॉट आर द मोनोमर ऑफ दिस पॉलीमर, इस पॉलीमर के मोनोमर कौन से हैं. दो मोनोमर हैं, टू मोनोमर्स वी हैव. वन इज 3-hydroxy ब्यूटेनोइक एसिड, 3-hydroxy ब्यूटेनोइक एसिड, 3-hydroxy पैंटेनोइक एसिड, 3-hydroxy पैंटेनोइक एसिड. इट मींस दिस PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट पॉलीहाइड्रोक्सी वैलरेट हैव टू मोनोमर्स, 3-hydroxy ब्यूटेनोइक एसिड, 3-hydroxy पैंटेनोइक एसिड. अब इनकी स्ट्रक्चर बना लो, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक इन दोनों की कैसे, ब्यूट मींस 4, 1, 2, 3, 4, ओएक तो 1, 0, 0, 0, 0, H, ओएक जुड़ गया, फॉर्म सिंगल सिंगल बॉन्ड, 3 पे हाइड्रोक्सी, 1, 2, 3 एड हाइड्रोक्सी, नाउ एड एच, जस्ट सिंपल इसी तरीके से इसको बना लो. दिस वन इज ब्यूटेनोइक एंड पैंटेनोइक, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0, 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
hydroxy. Now add hydrogen. Listen, these two the monomer, dono monomer ban gaye, dono monomer
पता चल गए इन दोनों मोनोमर से हमें क्या मिलेगा. व्हाट वी गेट बाय दीज टू मोनोमर्स, बाय दीज टू मोनोमर्स वी गेट पी एच बी वी. व्हाट वी गेट पी एच बी वी. हाउ कैन वी गेट, हाउ वी कैन गेट. नाउ जस्ट आई विल टेल यू हाउ वी कैन गेट दिस. दोनों को सामने रखती हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो. देखो वॉट आई एम डूइंग, जस्ट आई एम टिटलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू. टिटलिंग कर रही हूँ ताकि वी कैन एडजस्ट ईजिली ड्रॉ मूव आउट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम दीज कंपाउंड. वॉट हैपन हियर, यू कैन से दिस सी एच इज अटैच विद ओ एच ऑल्सो इन सी एच थ्री. तो आई हैव रिटन दिस सी एच लाइक दिस, और इसके ओ एच को मैंने यहाँ लिख दिया और इसका सी एच थ्री जो यहाँ था उसको मैंने नीचे लिख दिया. नाउ कंप्लीट चेन लाइक दिस ओनली. कंप्लीट चेन पूरी ऐसी लिख दी. अंडरस्टूड? दिस इज थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड. 1, 2, 3 ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी. अब इसी पेंटोनिक एसिड को भी वैसे ही लिख दो. चेन को क्या करो, ये जो सी एच है इसको यहाँ लिख देते हैं सी एच, और इसका ओ एच कहाँ लिख देते हैं यहाँ, और ये जो नीचे चेन है उसको हम यहाँ लिख देते हैं सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री, एंड लेटर ऑन जो यहाँ पर बनी है चेन उसको लिख देते हैं. मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, जहाँ ओ एच जुड़ा था उस कार्बन की चेन को टिल्टिल करके नीचे कर दिया और इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निकाल दिया. सो वी कैन ड्रॉ आउट दिस ओ एच एंड एच टू ओ फ्रॉम दिस चेन. अब क्या होगा, नथिंग विल हैपन. जस्ट नॉर्मली दिस ओ एच एंड दिस एच, दिस एच एंड दिस ओ एच कम आउट, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे. क्या? माइनस एच टू ओ. इस रिएक्शन में क्या होगा, इसमें से एच और इसका ओ एच बाहर निकल जाएगा. फिर क्या बचेगा, बीच वाली रिएक्शन लिखो. ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ओ. बस सिंपल, उठा के पूरी की पूरी चेन वैसे ही लिख देनी है. नाउ इधर पे भी वही है, यहाँ से भी ओ एच जा रहा है तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, इधर पे भी क्या है, अब इस चेन को लिख दो पूरा सी एच टू बॉन्ड सी एच, यहाँ पे भी तो ओ एच है तो यहाँ से एच जा रहा है तो यहाँ क्या बच रहा है, ओ. समझ में आया, ये किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है यानी कि इस कार्बन के साथ. यस, सिंपल, हमने पूरी कंप्लीट अपनी रिएक्शन या अपनी पूरी चेन वैसे की वैसे ही लिख दी. बट जस्ट व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट वी आर रिमूविंग एच टू ओ, रिमूविंग ओ एच फ्रॉम ब्यूटेनोइक एंड रिमूविंग एच फ्रॉम दिस. इन दोनों में से हम ये हटा रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, इसका एच इसी से अटैच हो रहा है. आगे जाकर ये दोनों आपस में क्या करते रहते हैं, शिफ्टिंग करते रहते हैं, चेन मॉलिक्यूल बनाते रहते हैं और वाटर मॉलिक्यूल निकालते रहते हैं. बाय दिस वी कैन फॉर्म पी एच बी वी, दैट इज पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बीटा हाइड्रोक्सी वेलिनेट. ओके, नाउ आई कंप्लीटेड माई चैप्टर. यू कैन सी दिस some of the example of polymers, but I'll send you PDF of this because I am not explaining this in your video, because these all are the example of we can say that these all are the things which you can read and you can easily know how to how they are forming. ये मैं नायलॉन पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इससे रिलेटेड मैंने तुम लोगों को पॉलीमेथाइल मेटा एक्रोलेट भी पढ़ा चुकी हूँ. ये हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लेना. ओके, आई विल सेंड यू PDF. बाय.